सारे यूट्यूबर आइसक्रीम की शॉप खोल लें, मैं भी सोच रहा हूँ दूध वाली कुल्फी बेचना शुरू कर। तो वादा किया निभाना पड़ेगा। बड़े यूट्यूबर की बड़ी बातें होती है ना यार, आप लोगों को पता है। ये देखें भाई शॉप पे माशाल्लाह देखे भाव रखने के लिए आपका भाई अमीर यूट्यूबर है माशाल्लाह। उनको प्रमोशन की जरूरत है नहीं, फिर भी हम कर रहे हैं। कितनी बड़ी आइसक्रीम वगैरह से मुझे बचा के दी है। मुझे कुत्तों से बच के भागी नहीं ना, मुस्तफा को टांगा गोद में और तुम ऐसी भागी। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग फिर से 6 बजे शुरू हो रहा है। उसकी वजह ये है कि यार 2 दिन से आपके भाई के हाथ में तकलीफ थी, सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे मेरे यार। तो भाई मैं आज सुबह से निकला हुआ था अपने काम करने के लिए, ऑफिस से काम, घर के काम, ये काम वो काम, पता नहीं कौन कौन से काम थे। तो भाई मैं 6 बजे अभी घर में घुसा हूँ और अपने काम मैंने वाइंड अप करके मैं आया हूँ घर पे भाई। तो सॉरी गला भी खराब हो गया मेरा बाहर जाया के आज। मुस्तफा साहब सो रहे ना, और अहमद साहब माशाल्लाह से टीवी देख रहे हैं। अभी अभी ट्यूशन से आए हैं। अहमद साहब टेस्ट कैसा हुआ आपका आज? बहुत अच्छा। झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोला कर, देख पक्का अल्लाह का वादा करो पक्का बहुत अच्छा टेस्ट हुआ है। बहुत अच्छा, कल पेपर मिलेगा देख लेगा। चलो ठीक है भाई, कल पक्का पेपर मिल जाएगा ना, डन है, सही है। आपने मुझे कल वादा किया ना कि पेपर अच्छा हुआ, टेस्ट अच्छा हुआ ना, आप मुझे मुस्तफा हनीफ की आइसक्रीम शॉप पे लेके जाएंगे। जरूरी, मुस्तफा हनीफ की, मुस्तफा कमाल की चलेंगे। चलेंगे अल्लाह मालिक है, रात को चलेंगे। तो यार उसका टेस्ट अच्छा हो गया भाई, अल्लाह चलो अच्छी बात, अच्छा हो गया। अब जब वादा किया था भाई इसको लेके जाना पड़ेगा आइसक्रीम शॉप पे। मुस्तफा हनीफ भाई ने दुकान शॉप दुकान खोली। यार मुझे किस समझ में नहीं आ रही, सारे यूट्यूबर आइसक्रीम की शॉप खोल लें, मैं भी सोच रहा हूँ वो दूध वाली कुल्फी बेचना शुरू कर दूं। सारे यार यूट्यूबर आइसक्रीम की दुकान खोल लें, शॉप खोल लें, हम भी दूध वाली आइसक्रीम बेचना शुरू ना कर दें। टन 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 वाली तुम बनाना मैं बेचूंगा ठेले में जाए। टन 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 यार अच्छा कारोबार है। वकास वर्ल्ड ऑफिशियल 2.0 कुल्फी वाला कैसा? तो यार आपका भाई भाई खाने वाने का सामान भी लेकर आया था भाई, क्या बता रही रहा? आलू की कतलियाँ। आलू की कतलियाँ, आधा किलो आलू तो आप खराब ही लेकर आए। तो मतलब 1 किलो में से आधा किलो आलू आप खराब लेकर आए। खराब कौन से आलू खराब लेकर आया हूँ? सही तो लेकर आया हूँ, देख के लेकर आया हूँ। एक दिखा दें सर आपको, ये कैसा आलू है उसमें? ये देखे ये सवाल, अरे हाथ निकाल यार, यार देखें यार कितने बेमानी करते हैं। जब तक बंदा अपने हाथ से ना निकाले ना, बंदा अपने हाथ से लिया करो भाई, आप लोग भी। मैंने अपने हाथ से लिया ना, क्या आलू वाले अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो ना तो कितने आलू खा तो बनाना ना, खैर होती है ये बहुत है, ये भी बन जाए, हम लोग खाते कितना खाना है। और तुम ही खा दो 3 रोटियां, हम तो 1 रोटी वाले हैं। हमारा मतलब दूरी, तुम तो अपना सोचो हमारा छोड़ो। ये आलू आप ही को दूंगी मैं, आप ही खाएंगे, आपके प्लेट में जाएगा। ये आलू तुम्हारे चेहरे में नहीं मिलता, तुम्हारा गोल मुंह की तरह ही। तो अभी तो भाई खाना वाना बनेगा, टाइम लगेगा खाना वाना बनने में, आलू कितने आधे घंटे में तक बनी जाती है। वैसे भी हमें रात में जाना है मुस्तफा हनीफ की आइसक्रीम शॉप पे। तो यार चाय वाले तो चाय बनी हुई है, चाय निकालो यार, चाय पीऊंगा, बस सर में दर्द आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। ठीक है तो गाइस चाय वाय पीते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। चाय हमारी आ गई, चाय पीते हैं और चेक करते हैं भाई। भाई चीनी यार, हेरा जो है ना भाई बनाती फीकी चाय, तो ये हेरा फीकी चाय पीती है क्योंकि भाई हेरा अपना वजन वजन के चक्कर में लगी रहती है, और हम पीते हैं भाई मीठी चाय। हाय 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 यार, चाय का भी अपना मजा है यार। ये स्पून ये है, देखें अहमद साहब ने कराई है, देखें ये इसके हर पूरे घर के चम्मच इस बंदे ने मोड़ दिए हैं। पता नहीं कौन सी ट्रिक लगा रहा होता है, क्या कर रहा होता है, जान दिखा रहा होता, सारे के सारे चम्मच तोड़ दिए बेटा। अभी अम्मी आएंगी ना, उसको बताएंगे फिर बेटा। तो एनीवेज यार गाइस चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। 2 hours later. तो गाइस भाई खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है भाई। यार तुम लोग क्या क्या फेंकते रहते हो अल्लाह के बंदो, यार मुस्तफा पे फेंक कर आओ। खाना वाना खा लिया है भाई हम लोगों ने, और अब अहमद से जो वादा किया था हमने भाई आइसक्रीम का, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। तो भाई अब वो जो वादा किया था अहमद को आइसक्रीम का, भाई हम अब जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। क्या हुआ, तोड़ दी यार? अभी नई साइकिल ली थी यार, अल्लाह के बंदे तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? ये मैं नहीं, वो कैसे तोड़ेगा भाई? मैं यार अभी ये नई साइकिल ली थी यार, 7 तारीख 8 तारीख को उसकी सालगिरह गई और आज 13 तारीख को साइकिल तोड़ दी। यार हद हो गई यार, चेक करने जरा किस तरह के बच्चे। अभी कल इसकी इसने हरकत करी, देखे इतना गुस्से वाला, देखे इसने अपने यहाँ भी मार लिया, देखे मुस्तफा के, देखे पूरा रेड हो रहा है।
साइकिल साइकिल से लगी है, साइकिल से लगी है। हाँ ये देखें पूरा रेड हो गया इसके, बहुत जोर से लगी इसके यार। बच्चे जो है ना भाई, बच्चों का बड़ा ख्याल करना पड़ता है बहुत ज्यादा। अरे भाई रेडी हो हैं? तुम इसको लेके चले, मैं मुझे गाड़ी वाली निकालता हूँ। तो बाइक पे तो जाएंगे नहीं, दूर है थोड़ा सा। अरे मैं गाड़ी वाले निकाल रहा हूँ, तुम लोग बाइक पे नहीं आ सकते हैं? बाइक पे क्यों हैं? बाइक पे क्यों बताओ ना यार। गाइस उस दिन के बाद से जो लियारी एक्सप्रेस से हमारा सीन हुआ था ना, उस दिन के बाद से इसको इतना डर बैठ गया, इतना डर बैठ गया, कहता भाई मैं दूर जाऊंगा ही नहीं और गाड़ी में नहीं जाऊंगा, बाइक पे चले यार। तो एनीवे अच्छा, जिस दिन से मैंने गाड़ी सही कराई ना, उस दिन के बाद से मैंने गाड़ी चलाई भी नहीं और गाड़ी चेक भी नहीं हुई है। तो अभी खैर गाड़ी चेक भी हो जाएगी और एक भाई मुझसे अहमद साहब से जो वादा किया वो भी पूरा हो जाएगा। तो गाड़ी निकालते हैं, चलते हैं। अहमद जोकर वोकर पहन लो, अब जा रहे हैं। अगर भाई देखेंगे वहाँ पे अगर कोई हमें यूट्यूबर मिल गया या मुस्तफा हनी भाई मिल गए जिनकी शॉप पे हम जा रहे हैं, तो भाई बहुत अच्छी बात है कि चले भाई अहमद आ जाओ, मुस्तफा आ जाओ, तुम बाइक पर आओ, हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं। ठीक है, कैसे निकल गए भाई? तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है वहाँ पे शॉप पे जाने का, आइसक्रीम शॉप पे। तो चलते हैं शॉप पे और आपको दिखाते हैं भाई आइसक्रीम कैसी है। क्या कल स्कूल है? चलो ठीक है, ओके भाई आ गया हूँ मुस्तफा हनी भाई की शॉप पे, वीआईपी पॉप नाम है शॉप से, मुश्किल नाम है। एंटर हो रहा हूँ, रश बड़ा, कोई हाई फाई लगा हुआ है भाई शॉप पे, ये देख सकते हैं आप, लाइने वाइने फुल। ये देखें भाई रश चेक करें, जरा हाई फाई लगाओ फिर मैं बैठ रही शायद। सारी बातें ओपनिंग हुई है तो मुस्तफा भाई को हर कोई जानता ही है। कौन सी दिन है? ये मेन्यू कार्ड है इस शॉप का और मैंने आइसक्रीम देख ली, अहमद ने देख ली है। रश चेक करें आप, देखिए मेरा नंबर आता है या नहीं आता, नंबर आएगा नहीं आएगा बेटा हैं, आएगा बच्चा कह रहे नंबर आएगा क्या? भाई का नंबर आ गया है। मैं दे रहा हूँ 3 आइसक्रीम है, एक हेरा के लिए स्ट्रॉबेरी, अहमद के लिए स्ट्रॉबेरी स्टेक और मैं भी अपने लिए स्ट्रॉबेरी दे रहा हूँ, बल्कि अपने लिए चॉकलेट देता हूँ, ब्राउनी चॉकलेट ब्राउनी। कोन में कितने की है? कोन में 200 की। दो कोन दे देता हूँ, एक स्टेक में दे देता हूँ। पैसे वैसे आपके भाई ने दे दिए हैं, जल्दी आपके भाई का मामला होगा। अच्छा करें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला और बरकत दे इनकी रोजी में, और लाइन तितर बितर हुई है भाई बड़ा रश है यार। भाव रखने की लाइन है, लाइन लगा के धक्के खा के हमने ले लिए। ये मुझे पता था तुम्हें कहने नहीं देगा, मुझे पता है मुझसे कौन सी चाहिए आपको। तो भाई हम लोगों ने 3 आइसक्रीम ले ली है और ये शॉप है वीआईपी पॉप इसके भाई मुस्तफा बात की है। हम लोगों ने आइसक्रीम ले ली है भाई मुस्तफा हनी की शॉप पे, हम लोग आ गए थे, हमें शॉप मिल गई थी, आसानी बहुत आसान एड्रेस है, कोई मुश्किल नहीं, मस्जिद सेंटर वाली गली में दुकान है, आगे शॉप है। और हमने 3 आइसक्रीम ली, आपके भाई ने भाई कौन आइसक्रीम ली? चॉकलेट पे, अहमद साहब ने स्ट्रॉबेरी और हीरा की आइसक्रीम खा रहे हैं भाई, ये लफंटर खा रहे हैं चपाटर। ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो गाइस ये कौन आइसक्रीम 200 रुपए की और अहमद वाली स्टिक वाली शायद 150 या 160 की, आई डोंट नो कितने की, मैंने पूछा नहीं रेट, पर ले लिया आपका भाई, अमीर यूट्यूबर है माशाल्लाह। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। यार मेरी पैन की आइसक्रीम गिर गई यार। और तुमने भी अपने कपड़े खराब कर दिए यार, कैसा आदमी है अहमद। अगर बाहर चेयर्स लग जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अंदर शॉप बहुत छोटी है, छोटी है। तो मतलब भाई जरा सीढ़ियां, वो सीढ़ियां कह रहा हूँ, चेयर्स लगवा दें ताकि नेक्स्ट संडे हम आए तो हम चेयर्स पे बैठ के खा लें। अभी हम गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं, हमारी गाड़ी में एसी भी नहीं है। अबे एसी है ही नहीं, चलाऊं कहां से बावले, खराब होगा गैस गैस भी नहीं है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने मजे से खड़े होके हीरा की आइसक्रीम खा रहे हैं शपाटर। ये लो यार तुम खा लो, नहीं मेरा मूड भी नहीं था, ये मेरे हिस्से में आई है, वो कास्ट से मुझे बचा के दिया, थैंक यू सो मच। लेकिन गाइस कितनी बड़ी आइसक्रीम वगैरह से मुझे बचा के दी है, मेरा पेट फुल हो जाएगा इससे, थैंक यू। और ये तो मेरी आइसक्रीम ये खा रहे हैं जनाब, फुल कपड़े गंदे कर रहे हैं बैठे हुए। गाइस भाई आ गया हूँ आइसक्रीम शॉप से मुस्तफा भाई की, अच्छे अच्छे पहले ऊपर भाग कर आया था। एक बात मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना यार, तुम जो कुत्तों से बच के भागी थी ना, तुमने मुस्तफा को टांगा गोद में और तुम ऐसी भागी। मैं बोल रहा हूँ नहीं है नहीं है नहीं है कुत्ता, आपने लॉक नहीं खोला था, लॉक बनता वो बिल्कुल आ गया था कुत्ता, तो ये ऐसा भागी कुत्ता से, जब तक मैं खोलता तो काट लेता वो। अच्छा तुम भाग गए, सही भाग गए तुम। तो एनीवेज गाइस भाई हो आके आ गए बच्चे भाई, अहमद की ख्वाहिश भी पूरी हो गई आइसक्रीम की। तो गाइस यार आज बहुत ज्यादा थकान हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया सुबह 7 बजे का उठा हूँ मैं,
और घर आया हूँ और बॉस की कॉल आई है कि भाई सुबह 9 बजे ऑफिस में मीटिंग है, तो भाई सुबह 9 बजे जाना है, बल्कि कल भी मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि अहमद को स्कूल छोड़ने जाना है, उठना 6 बजे ही है, तो उसको छोड़ के आके फिर सोऊंगा नहीं भाई, फिर 9 बजे ऑफिस चले जाऊंगा। तो भैया आज भी नहीं नींद पूरी होगी, कल भी इंशाल्लाह नींद पूरी नहीं होगी। तो भैया करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।